हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। सो आज का टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी कुछ आपको नया देखने को भी मिलेगा इसमें। या मैं आज आपके साथ अपना इयर रिंग कलेक्शन शो करूँगी। मेरे पास बहुत सारी इयर रिंग्स हैं एंड वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस ड्रेस के साथ कैसे उसको पेयर कर सकते हो। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव इन माय कलेक्शन। अभी मजा आएगा ना वीडियो गाइस। फर्स्ट इयर रिंग मैं आपके साथ ये शो करूँगी। ये काफ़ी अच्छी सी है, जैसे बीच टाइप से होते हैं ना एकदम। सो गाइज़ ये देखो आप, तो ये इस तरह से कुछ पहनने पे नज़र आती है। इसके मैंने लेटेस्ट फ़ोटो भी अपनी डाली थी ऐसी इयर रिंग्स में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर उस मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको पेयर किया है सूट के साथ और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूँगी, सो आप जाके उसे देख सकते हो। सो मूविंग टू इट्स नेक्स्ट इयर रिंग, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सो गाइज़ नेक्स्ट इयर रिंग हमारी इसी तरह की है। ये आप देखो, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी कलरफुल इसमें बीड्स लगे हुए हैं और ये पहनने पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आपको उसको पहन के भी दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। इसको भी मैंने पहना हुआ है, एक रील मैंने उस पर क्रिएट की थी। तो ये पहनने पे कुछ इस तरह का गाइज लुक देती है। सो आप देख रहे हो, आप इसको आप इंडियन वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस के साथ आप पहन सकते हो। मेरे मोस्टली इयर रिंग जैसे ही है जिसको मैं इंडियन के साथ भी पेयर कर लेती हूँ और वेस्टर्न के साथ भी अच्छी लगती है। सो गाइज नेक्स्ट इयर रिंग हमारे पास ये है, इसको मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये वेस्टर्न गाउन या मरून कलर की ड्रेस हो या ब्लैक कलर का गाउन हो, ड्रेस हो, सूट हो, उस पर बहुत अच्छी लगती है। आप ये देखो, ये हैंगिंग पे है एंड इसको लगाने के बाद एक बन बना सकते हो आप या ओपन हेयर्स में भी ये इयर रिंग्स बहुत सुंदर लगती है। आज सो गाइज़ ये अब नेक्स्ट इयर रिंग है, जैसे आप देख रहे हो ये काफ़ी क्लासी लग रही है और देखने में भी बहुत प्रीटी है। इसको भी आप इंडियन किसी वेयर पे भी पहन सकते हो और वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो। आप देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है। ये जूट से बना हुआ है या मेज़ एंड जूट से बना हुआ है ये, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो आप, बहुत यूनिक है ये हैंगिंग पे। सो गाइज ये देखो आप, नेक्स्ट इयर रिंग है मेरी ये ब्लैक एंड रेड कलर से इस तरह से, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस पे। किसी पार्टी वेयर में आप इसको पहन के जा सकते हो। सो गाइज एक ये इयर रिंग्स है मेरी इस तरह से, आप देख रहे हो ये भी बहुत प्यारी लगती है। इसको भी हम सो गाइज ये इयर रिंग्स जो है अब आप देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इयर रिंग, अब नेक्स्ट इयर रिंग जो है हमारे पास वो आप देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये सिल्वर इयर रिंग है ये, और इसको आप किसी भी इतने की या ट्रेडिशनल ड्रेस पे पहनोगे, ट्रेडिशनल पे भी, तभी ये बहुत प्यारी लगेगी। सो गाइज मेरे पास एक ये पिकॉक स्टाइल में इयर रिंग्स है, ये भी हैंगिंग पे है, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है पहनने पर। सो गाइज़ एक मेरे पास ये इयर रिंग है, ये बहुत ही शिमरी, बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें पूरे नग लगे हुए हैं एंड ये भी आप किसी प्लेन वाइट ड्रेस पे पहन सकते हो या किसी भी कलर की ड्रेस पे पहनोगे तो ये ऐसा कलर है जो सब पे मैच करेगा। ग्रीन कलर की ड्रेस पे भी ये बहुत अच्छा लगेगा, ब्लैक पे भी, रेड पे भी, कोई भी प्लेन कलर पे बहुत अच्छा लगने वाला है। गाइज़ मेरे पास ये इयर रिंग्स है, ये भी बहुत खूबसूरत। गाइज़ ये देखो आप, इस इयर रिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, किसी ट्रेडिशनल ड्रेस, किसी लहंगे हैवी साड़ी कोई हो सिल्क की, रेड कलर की, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। देखो आप, इसमें पूरे यहाँ पे गोल्डन कलर के नग लगे हुए हैं एंड यहाँ पर जो है ये पर्ल्स लगे हुए हैं इस तरह से। देखो आप, रेड कलर से तो भी बहुत, और यहाँ पर एक स्टोन है तो ये बहुत खूबसूरत, एकदम रामलीला स्टाइल में लगती है। ये बहुत प्यारी इयर रिंग लगती है मुझे। कुछ बेसिक कलर्स आपके पास होने चाहिए, लाइक रेड, ब्लैक, सिल्वर, ये कलर्स ऐसे होते हैं जो सभी ड्रेसेस पे चल जाते हैं। और एक मल्टी कलर भी आपके पास होना चाहिए। एक मेरे पास ये झुमकी स्टाइल में, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये इस तरह से लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, छन 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 आवाज़ आ रही है इसमें, और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। मैं जिस इयर रिंग्स की बात कर रही हूँ वो इस तरह से देख रहे हो आप, हूप्स हैं और ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें देखो, और ये आप देख रहे हो हूप्स हैं और इसमें जो है दो तीन हुप्स इसमें अटैच हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत यूनिक लगता है एंड ये भी बहुत क्लासी है। इसको आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो। ये आजकल इंडियन ड्रेसेस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और साथ में किसी क्रॉप टॉप या कोई भी वन पीस ड्रेस भी पहनोगे ना, उसमें भी बहुत क्लासी लगते हैं। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये मैंने आई गेस बहुत पहले लिया था जब इसका फैशन ही स्टार्ट नहीं था। सो ये भी आप ले सकते हो, एवरग्रीन है ये भी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से, ये भी मुझे बहुत, इस तरह की इयरिंग्स मेरे पास बहुत सारी हैं। मुझे ये इंडियन ड्रेसेस पे कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली भी। इसमें मिरर लगा हुआ है एंड ये बहुत प्यारी है। सो गाइज लास्टली मैं आपको इस इयरिंग्स से मिलवाऊंगी और ये हमारी आज की वीडियो की शो स्टॉपर है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पहले भी जो इयरिंग मैंने आपको दिखाई थी वो भी बहुत अच्छी।
सो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है पहनने में, पर आप इसको रेगुलरली नहीं पहन सकते हो। ये काफ़ी हैवी है, आपको दिख रहा होगा, ये लाइट वेटेड नहीं है, ये सच में हैवी है। एंड ये आप किसी भी फेस्टिवल में पहन सकते हो या किसी वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हो, कोई भी मल्टी कलर की ड्रेस हो आपकी उस पर भी आप कैरी कर सकते हो, और ये बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। सिर्फ आप ये इयररिंग पहन लो एंड यू आर रेडी टू गो। आपको नेकलेस, नेक पीस, मांग टीका कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली बहुत प्यारी है। देखो आप, लग रही है ना खूबसूरत। सो ये जो कलेक्शन मैंने आज आपको दिखाया है, ये मेरा मतलब लाइक सेलेक्टेड पीसेस हैं जिसको। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने पूरी इयररिंग्स आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा कलेक्शन आपको दिखाती तो शायद ये एक वीडियो का 2-3 वीडियो बनानी पड़ती, इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड पीसेज आपको दिखाए हैं जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, जिसको आप मोस्टली किसी भी ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी लाइक दिस। एंड अगर आप चाहते हो, आपको देखना है कि मैंने कैसे इसको पेयर किया है किस ड्रेसेस के साथ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हो, हैंडल मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इसको कैरी कर सकते हैं किस ड्रेस के साथ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, और ये भी मत भूलिए, आई लव यू सो मच, बाय, टेक केयर।